नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोटों को लेकर चल रही खींचातान के बीच सपा ने भाजपा पर सदस्यों का उत्पीड़न करने और जबरदस्ती वोटरों को अपने पाले में करने के लिए पुलिस और प्रशासन की सांठगांठ का आरोप लगाया है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधि मंडल ने रालोद और अन्य संगठनों के नेताओं के साथ मिलकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने की मांग की है और पंचायत सदस्यों पर किए जा रहे उत्पीड़न को रोके जाने की मांग की है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस प्रशासन और प्रशासन से मिलकर अनैतिक दबाव बनवा रहे हैं, हमारे मेंबरों को परेशान कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। हमने लिखित में दे दिया और बता भी दिया, अगर इस तरह की घटना होगी तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मौके पर ही धरना देने का काम करेगा और हम इन बातों से घबराने वाले नहीं। हमारे पास पर्याप्त संख्या है, जो शुरू के दिन हमने कही थी हमारे 40 मेंबर हैं, 40 ही हैं और जीतेंगे। बीजेपी भी अपने 40 मेंबर बता रही है। बीजेपी के सबको पता 8 मेंबर हैं, अखबार देख लो, लिस्ट देख लो, 8 मेंबर हैं। बीजेपी अगर ये चाह रही कि हम दल बल या सरकार के बल पर चुनाव जीत लेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया। अभी कटारिया जी आए थे, प्रेस वार्ता करी थी 2-3 दिन पहले, उनका कहना था कि ये चुनाव जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी जीतती है उसी तरह से हम भी जीतेंगे, इसमें आपका क्या कहना, क्या इशारा? हम चैलेंज करते हैं उन्हें, हम चैलेंज कर रहे हैं, हम जीतेंगे। वो नहीं जीतने के उनके पास संख्या नहीं है, संख्या हमारे पास है। और एक बात सुनो, ये सरकारें आते जाती रहती, सरकारों पर राजनीति नहीं होती, जनता के कामों पर राजनीति होती। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के में भीतरघात हो रहा है, कुछ लोग आपकी पार्टी के बगावत पे उतरे हुए हैं। हमारी पार्टी में कोई बगावत नहीं, हम सब एकजुट हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी, महान दल, हम सब एकजुट हैं और हमारे साथ जनता का समर्थन हमें है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।